नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस रेगुलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अगले चरण में हम लोग चलेंगे। चैप्टर 13 इसमें पढ़ा जा रहा है, जो कि गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है। पैरा 155 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे की चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुलिस एक्ट की, पुलिस रेगुलेशन की पूरी क्लासेज आपको यहाँ पर मिलेंगी, अच्छी तरीके से मिलेंगी। जो प्रश्न आने के लिए संभावित हैं उनके अनुसार मिलेगा, और हर स्तर पर इस तरीके से क्लास रहेगी कि आपको हर बात कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, ताकि गलती की संभावना बिल्कुल ही ना रहे। तो आज देखते हैं क्या है। चैप्टर 13 155 तक हो गया है, 156 से शुरुआत करते हैं। पैरा 156 ये क्या कहता है? पैरा नंबर 156 कहता है कि पुलिस को भी जमानत का अधिकार है। जैसा कि सीआरपीसी 169 में आप लोगों ने पढ़ा है कि पुलिस भी जमानत स्वीकार कर सकती है, तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि पुलिस किस पैरा के अनुसार जमानत स्वीकार कर सकती है। ठीक है, क्या पुलिस को भी जमानत का अधिकार है? उत्तर है यस, ये बात आप जानते हैं। तो इसे आप सीआरपीसी 169 के साथ पढ़ेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, सीआरपीसी 169 के साथ आसान हो जाएगा। फिर पैरा नंबर 162 हमें पढ़ना है, 156 के बाद 162 पढ़ना है। 162 किस बात की चर्चा कर रहा है? अल्प वयस्क बालिकाओं के बारे में, अल्प वयस्क बालिकाएं। ठीक है, एक स्पेशल बात लिखी हुई है, इस बात को आपको जानना है, क्योंकि ये चैप्टर अभिरक्षा से भी, कस्टडी से भी संबंधित है। और सब कस्टडी तो हमें समझ में आती हैं, सीआरपीसी में हमने पढ़ा है, लेकिन एक यहाँ स्पेशल बात लिखी हुई है अल्पवयस्क बालिकाओं के बारे में। कौन सी बालिकाएं हैं? ये घर से बाहर नियंत्रण से बाहर, यानी कि जो परिवार वाले हैं उनके नियंत्रण से बाहर, या भटकी हुई कही जाती हैं, भटकी हुई कही जाती हैं, घर छोड़ दिया है, भटकी हुई हैं। ठीक है, स्ट्रेड कहा जाता है, STRAYED। ठीक है, STRAYED, स्ट्रेट गर्ल्स कहा जाता है, भटकी हुई लड़कियां कहा जाता है, इनको कहा जाता है। इनके लिए नियम बताया गया है पैरा नंबर 162 में। क्या नियम है? कि इन्हें पुलिस अभिरक्षा यानी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ठीक, पुलिस कस्टडी आप जानते ही हैं, एक विशेष सेंसिटिव मामलों में तमाम बातें ध्यान रखनी होती हैं। अल्पवयस्क बालिकाएं हैं, स्टेट गर्ल्स हैं, इन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अगर ये पकड़ी जाती हैं, भटकी हुई हैं, भागी हुई हैं घर से, तो फिर रखा कहाँ जाएगा? उसके लिए नियम लिखा है अस्पताल या औषधालय में। कहाँ रखा जाएगा? अस्पताल या औषधालय। ठीक है, जहाँ पर भी स्टे करने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पर इनको रखा जाएगा, अस्पताल या औषधालय में। और वह भी कितने दिनों तक? मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिनों तक। प्रश्न पूछेगा कहाँ रखा जाएगा, तो आप अस्पताल या औषधालय बताइए। कितने दिनों तक अधिकतम रखा जा सकता है वहाँ पर? 15 दिनों तक रखा जा सकता है। इस बात को आपको बताना होगा कि 15 दिनों तक रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद किशोर अपराधियों से संबंधित पुलिस का व्यवहार, ये तो अल्पवयस्क बालिकाएँ थीं, अपराधी नहीं थीं। ठीक है, 164 में कुछ बात लिखी गई है। ठीक है, 164 में बात लिखी गई है किशोर अपराधियों से संबंधित पुलिस का व्यवहार, किशोर अपराधियों, इनको अब अपचारी कहा जाता है,
से संबंधित पुलिस का व्यवहार। किशोर अधिनियम है, आप जानते हैं किशोर अधिनियम है, उसके अनुसार ये लोग व्यवहार करेंगे, ठीक है, और कुछ नियमावली इनकी बनेगी अलग से, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। सामान्य जो व्यवहार की अपराधियों के साथ प्रक्रिया होती है, वैसा व्यवहार किशोर अपराधियों से नहीं किया जाएगा। ये बात इतनी आपको ध्यान में रखनी है। ये बात कहाँ लिखी है? पैरा 164 में लिखी है। अब चैप्टर 14 शुरू हो जाता है, चैप्टर 14 शुरू हो जाता है। यह किससे संबंधित है? संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारे से संपत्ति है, संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तमाम तरीके की प्रॉपर्टीज़ को कस्टडी में लेना पड़ता है पुलिस को, और उसका जैसा भी निस्तारण करना है वैसा निस्तारण उसे करना होता है, ठीक है, कोर्ट में जमा करना है, थाने के कोषालय में जमा करना है, क्या करना है, पजेशन में लेना है, ताला लगाना है, तमाम ऐसी बातें रहती हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 14 इसी से संबंधित है। सीधा सीधा आपसे प्रश्न आएगा कि संपत्तियों की अभिरक्षा और निपटारे से संबंधित चैप्टर कौन सा है, तो आप बताएंगे चैप्टर नंबर 14 है, जो कि 165 से शुरू होता है, ठीक है, 165 से शुरू होता है। तो 165 में क्या लिखा गया है? पैरा नंबर 165 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि चल या जंगम संपत्ति जो होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको ये कस्टडी में लेंगे। चल या जंगम या मूवेबल प्रॉपर्टी जो ये होती है, इसको कस्टडी में किस पैरा में लिया जाएगा? 165 में लिया जाएगा, ठीक है, अभिरक्षा में लेंगे, निपटारा करेंगे। और इसके लिए नियम क्या बताया गया? जीडी, जिसे आप जनरल डायरी के रूप में जानते हैं, में उल्लेख करेंगे, ठीक है, जीडी में एंट्री करेंगे, दर्ज करेंगे, सूची होती है, ठीक। और उसके बाद, ठीक है, ये तो उल्लेख हो गया, फिर अगर न्यायालय भेजना है उस संपत्ति को, तो लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है उसको सुपुर्द करेंगे, उसी को भेज देंगे, इसके पास भेज देंगे, ठीक है। तो सीधे पूछा जाएगा, एपीओ की परीक्षा है और लोक अभियोजक उसी से संबंधित है, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं पुलिस द्वारा कस्टडी में ली गई हैं, जीडी में उल्लेख है, न्यायालय भेजा जाना होगा तो सीधे ले जाएंगे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देंगे, भेज देंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज देंगे। किस पैरा के अनुसार? 165 के अनुसार, ये बात आपको जानना है, ठीक। 168 फिर क्या कहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। संपत्ति का निस्तारण, जो भी कुछ निस्तारण करना है संपत्ति का, उसका उत्तरदायित्व किसका होगा? इस निस्तारण का उत्तरदायित्व ये लोक अभियोजक का होगा। किसका उत्तरदायित्व होगा? लोक अभियोजक का दायित्व होगा, उत्तरदायित्व होगा। इस बात को आपको जानना है, अदरवाइज गलती हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक स्पेशल बात आती है, क्या आती है? 168A, क्या इसमें स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है, सीधा पूछेगा अवैध अग्नेयास्त्र, यानी कि जो आर्म्स मिले हैं अवैध, इलीगल, बंदूक तोप वोप इनकी बात हो रही है, बम वम, ठीक है, अवैध अग्नेयास्त्र जो मिलते हैं या शस्त्र जो मिलते हैं, चाहे अस्त्र मिले चाहे शस्त्र मिले, का निस्तारण। यानी कि सीधा प्रश्न है कि इलीगल वेपन्स का निस्तारण किस पैरा के अनुसार होगा? 168A के अनुसार होगा। इस बात को आपको जानना है, सीधा प्रश्न है। और इसे क्या करेंगे, इसका
निर्णय, जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा पश्चात नष्ट करेंगे। लेकिन नष्ट करने में भी एक शर्त लगाई गई, एक कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए, एक कमेटी बनाई जाएगी नष्ट करने के लिए। अकेले नहीं पुलिस बल जाएगा नष्ट करने, ठीक, कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। यानी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसमें होगा, एसआई से ऊपर का पुलिस अधिकारी होगा इस कमेटी में, और एक गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी, सरकारी नहीं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। यानी एक प्राइवेट पर्सन, जो प्रतिष्ठित प्राइवेट पर्सन हो, उसको उस कमेटी का मेंबर नियुक्त किया जाएगा। तब उस कमेटी के द्वारा इस अग्नेयास्त्रों का निस्तारण कराया जाएगा, नष्ट कराया जाएगा आफ्टर जजमेंट। ठीक, अगली जो आपका पैरा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 170। ठीक है, यहाँ लोक अभियोजक के बारे में फिर से है, मालखाने का निरीक्षण, लोक अभियोजक द्वारा मालखाना का निरीक्षण, ठीक है, लोक अभियोजक मालखानों का निरीक्षण करेगा। ठीक, कितने दिन पर करेगा? मंथली करेगा। ठीक, यानी कि जो भी मालखाना होता है पुलिस अधिकारी का, लोक अभियोजक को भी देखा जाए तो ये पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच जो है लिंक का काम करता है, तो ये मालखाने का निरीक्षण करेगा कि हाँ, जो चीज़ें दर्ज हो रही हैं, पाई गई, मिली, बरामद हुई, क्या वो चीज़ें उचित रख रखाव के साथ हैं या नहीं। कल को जो है एविडेंस में उनका काम लगेगा, कहीं कोई उनके साथ ऐसी बात ना हो कि एविडेंस के समय समस्या उत्पन्न हो, तो हर मंथ वो मालखाने का निरीक्षण करता रहेगा, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कभी कोई दिक्कत ना आने पाए। यानी कि जो संपत्तियां मिली हैं उनमें लोक अभियोजक का दायित्व तो बहुत ज़्यादा दिखता है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है कोर्ट में बहुत कुछ साबित करने के लिए, ना साबित करने के लिए, एज ए एविडेंस। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोक अभियोजक को ये दायित्व दिया गया कि आप निरीक्षण करके मेंटेन करते रहिए। ठीक है, तो ये दो बातें हमने पढ़ी, गिरफ्तारी अभिरक्षा से रिलेटेड चैप्टर पूरा हुआ हमारा, और एक चैप्टर हमारा जो जंगम चल संपत्तियां हैं उनके संबंध में पूरा हुआ। आज 14 अध्याय हमारे समाप्त हुए, आगे के सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और को भी अपने मित्रों को भी बताइए कि हाँ, बेहतर क्लासेज हैं, बेहतर तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन मिल रहा है लॉ का। केवल बेयर एक्ट या इन चीज़ों को रख करके नहीं पढ़ा जा रहा है, एक सही सीक्वेंस में जैसे पढ़ा जाता है उस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ पा सके, और साथ ही साथ आप वेल भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे जब भी आपकी वीडियोज़ पढ़े। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।